भाई एक बात सुनी होगी आपने कि भाई हर किसी खातर नया सवेरा होता है सुबह, लेकिन आज एक ऐसी संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ, नया सवेरा चैरिटेबल ट्रस्ट। कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं, देखने लग रहे हो आप। आजकल जो है शादी की अगर बात करी जावे, सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, पॉजिटिव पॉइंट है ये, किसी भी गरीब कन्या की शादी हो तो बहुत से साथी जो है वहां पर पहुंचने का काम करा है, श्री कृष्ण बनने का काम करा है, पाटड़े पर चढ़ने का काम करा है। तो आज यह पूरी की पूरी टीम जो है इसी प्रकार आज आदमपुर के अंदर जो है एक गरीब कन्या की शादी करवाने के लिए पहुंची है। अगर मैं बात करूं फिलहाल की, दिखा दो एक बार भाई, जो है तीड़ है वो सारी की सारी, सारा सामान जो है एक लड़की के लिए जो जरूरी हो अगर, है ना, वो सारी की सारा सामान जो आज इनती लेके दिया है, चाहे प्रेस की बात हो, चाहे मशीन की बात हो, चाहे पेटी की बात हो, चाहे बेड की बात हो। एक बार दिखा दे भाई उस साइड में, आप देख सको कुर्सी बेड पेटी हर वो चीज जो है एक लड़की को जब जरूरत पड़ती है शादी में वो चीज देने का काम किया है, ना कि दहेज। दहेज होता है भाई, गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल दे दिया, और ज्यादा सामान दे दिया, लेकिन इन साथियों ने पहल करी है वो ये करी है कि भाई जो जरूरतमंद सामान होता है वो देने का काम कर रहे हैं। और इस ट्रस्ट की एक खास बात मैंने के लगी कि भाई कोई भी ट्रस्ट देखोगे पांच सात लड़के इकट्ठे होके ना जो है ट्रस्ट चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है देखो, बड़ी बूढ़ी जो है और साथ में महिलाएं जो साथ में जाकर के हर जगह पहुंचती हैं और हर जगह जाकर के उस बेटी को आशीर्वाद देने का काम करती, सहयोग करते हैं। भाई मुकेश मेरे साथ मौजूद है, भाई मुकेश ने यह पहल करी। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। अगर बात करूं मुकेश भाई, पहला सवाल तो मेरा यो ही रहेगा, तन्ने साथ में लेडीज एंड महिलाएं ले रहा तो भाई किसी साहब भी ट्रस्ट के साथ शायद नहीं होगी, नहीं है सर, पूरा ऑल इंडिया के अंदर नहीं है। तो आपकी ये क्या सोच थी कि मतलब महिलाओं को साथ रखा जाए? महिलाओं के साथ ये रखने की सोच थी भाई, कल ने यदि मान ले किसी को प्रूफ देना हो और वो भी हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि महिला भी लिख नहीं सकती। हम महिलाओं को भी उजागर करना चाहते हैं भी, आगे जाके बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। आज की अगर बात करूं कौन सी जगह है, कैसे इसका पता चलेगा कि भाई आज की? हमारे पास ये आदमपुर गांव है, आदमपुर मंडी के पास आदमपुर गांव है, इसका पता चला था हमको। जैसे कि हमारी टीम है, कहीं दो जने हैं, कहीं चार जने, हर गांव गांव से मैंने जा जाके पांच जने 10 जने इनको पकड़ रखे हैं। कोई तारे गांव की समस्या कोई भी हो हमारे पास भेजो, पहले आप जाके देखो फिर हमारे पास भेजो। आज के परिवार की बात करूं क्या कुछ किस तरह से? आज का परिवार है, इसके पापा गुजरे हुए हैं, दो भाई है छोटे हैं, दो तीन सिस्टर है इसके, एक की शादी करी हुई है, एक की आज आप करवाने के लिए आ रहे हैं, अच्छा, एक बच्ची है छोटी। क्या क्या सामान दे रहे हो आज? यहाँ दे रहे हैं सर बेड, कुर्सी, मेज, संदूक और दो गद्दे। अच्छा, ये सामान आपकी तरफ हाँ, से। और दो आपका किन्नादान है वो दे देंगे थोड़ा अच्छा, बहुत। अगर बात करूं टीम में कितने मेंबर फिलहाल मौजूद है, कौन कौन है, किसकी क्या भूमिका है? हमारे ये सरपंच साहब हैं, ये हमारे पंडित जी हैं, ये हमारे खाबड़ा गांव से हैं, ये मेरे गांव से हैं, और बाहर से कोई बच्चे आए हुए नहीं है। उन्होंने आपका चंदा भेज चुके हैं, कम से कम हमारे पास है आज के दिन 100-150 जने जुड़े हुए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से ली कि इस तरह से मदद करी जाए? ये हमारे को क्या है जी, गरीब घरों की समस्या सुनी हुई थी, क्योंकि मैं आप खुद गरीब घर से निकल के आया हूँ, मेरे को खुद हालात का पता था इस चीज़ का। और सेवा करना एक मेरा सपना था फौज में जाने का, वहाँ नहीं पहुँच सकया, तो ये सेवा कर रहे हैं, वह भी सेवा है, ये भी सेवा है, और भाइयों का सहयोग मिला मेरे को। वैसा रहा, जय श्री राम जी। कैसा लगता है जब आप एक परिवार के एक कन्या का जो कन्यादान करने के लिए पहुंचते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी भी, किसी को हमारे द्वारा किसी को मदद मिल रही है और उसे हम में देख के वो लोग इंस्पायर हो रहे हैं, हमें देख के और आगे बढ़ चढ़ के इस चीज़ में सहयोग दे रहे हैं हमें। इसमें एक हमारा किसी का सहयोग नहीं है, जो हमारी टीम है सभी का थोड़ा थोड़ा, किसी का एक का, किसी का 100 का, अपने सामर्थ्य अनुसार, और सभी टीम के साथ दो दो चार चार बंदे और जुड़े हुए हैं वो भी अपना सहयोग कर रहे हैं। किसी का कोई सामान का है, किसी का पैसे का है, जैसा जिसका सामर्थ्य है उस हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहते हैं, और कोई भाई लोग भी हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे जो प्रधान है मुकेश जी हैं, सरपंच साहब हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम। अगर बात करूं, आप तो सरपंच रह लिए, सरपंच हो, मतलब एक ट्रस्ट के साथ जुड़ना और इस तरीके के कार्य करना, आजकल लोग पैसा देखते हैं, आपने क्या देखा होगा? ये मुकेश है, इन्होंने पहले ये काम किए हैं शादियां वगैरह में जो है, तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैं कह चल बहुत अच्छा काम है, मैं आपके साथ हूँ, तो तब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। तो मतलब कितनी शादियां फिलहाल तक आपने मिलकर करवाई? हर बार तो मैं पहुंच नहीं पाता, पर जब भी ये बात अगर मतलब चंदे की या आर्थिक सहायता की आती है तो मैं लगभग तैयार हूँ, 12 महीने से मैं इनके साथ। पैसा राम 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 भाई। आज के परिवार की अगर स्थिति की बात करूँ, किस तरीके से चिन्हित करे आपने कि इस परिवार को मदद की? ये तो जी गरीब परिवार था और हमारे साथ ही है यहाँ आदमपुर गांव में, सुरेंद्र भाई साहब है, उन्होंने बताया था। और
हमारे ग्रुप के अंदर ये चीज डाल देते हैं भाई आज वहाँ शादी है, आज ये कंडीशन है और वहाँ जाना पहुँचना अपने को, और इसी तरीके से वो सुरेंद्र यहाँ से अपने को भेज दे संदेश। और अगर टीम की बात करें, टीम के साथ मिलके आज यहाँ पहुँचे हो, मतलब कैसा लग रहा है कि लड़कियों की मदद हो रही है? बढ़िया लग रहा है भाई साहब, देखो भाई बढ़िया काम कर रहा है तुम्हारा तो ये है, अगर कोई बढ़िया काम करे चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी किसी कोई भी संस्था हो, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं, पहला भी खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। आंटी राम राम। राम 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 बेटा। कौन सा काम भाई? मिंगनी खेड़ा है। हाँ, मतलब ताई अगर बात करूं, ये मतलब कि आदमिया की तो बात कर रहे, ये तो जाया कर दे मदद में, लुगाई तो कोई आगे को नहीं आया कर दे। बेटा मेरा बेटा हनी मुकेश, आप ले अभी तई जाई कर, गरीबा की मदद करोगे, देखोगे बरतोगे तो गरीबी की करो, तकड़े से तो गरीबी करो, बहुत धर्म होगा, बहुत तई का भी धर्म आगी। बेटे एक बात है ताई, जिस तरह आप गांव में किसी का ब्याह हो, छोरी का, गरीब का, तो ओड़ा तो आप तिल ताल दे दिया कर, हम तो हाँ। यह चीज है कि दूर गांव में हो तो कोई कौन पूछता ना, मुकेश भाई लिया होगा तो आवांगे पूछांगे। हाँ मदद करांगे बेटे, जिसी होगी जिसी जरूर करांगे, मन ध्यान ही बाया है, मुकेश बताई करदा ताई न्यू जावा न्यू जावा, बेटे मैं आप चलूंगी, खुद देखूंगी बरतूंगी, तो मेरा भी ध्यान मार। आज फिर देखा ताई किस, आज बहुत बढ़िया है, मेरा तो बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया बेटा भी, इसे गरीब ने जो तकड़े को नहीं देना चाहिए, तकड़े को तो आप खुद ही कर सकता, जो लुगाई करता बाहर कुन लिकड़ दी, जो दिन दी कुनी किसी ने, क्यों उन्हें क्या कहना चाहोगे तो जो दान कर, उन्हें मैं यूं कहूंगी वे गरीब को खूब दही करो, भगवान भी अच्छा कर्म करो, अच्छा काम होगा। हाँ बेटा मेरा दिल खुश हो गया, तो गरीब ना दियो तकड़े का कोई फायदा ही कोनी। आज के दिया ताई? मैं ताई तो आज मुकेश ले आया है, कितना दान दे देंगे को पता नहीं, ठीक है दान दे भी नहीं ना, ये के बताओ बेटा। ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि मैंने भाई गुप्त दान का नाम तो जो है कन्यादान दिया जाओ। मुकेश भाई एक बार साइड आ जाए, भाई आज एक बार आप भी आ जाओ, जो है क्योंकि कई लोग के हैं, चंदा की अगर बात करी जाओ, चंदा बहुत ज्यादा हो जाए है, और चंदा का हिसाब किताब पर बहुत रोड़ा माच है। मुकेश भाई अगर हिसाब किताब की बात करी जाओ, क्योंकि बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं इन चीजों से, लेकिन विश्वास नहीं बन पा रहा। हाँ ये बात है, ये कैसे विश्वास करें कि मुकेश एक मतलब हिसाब की अगर बात करा, जो आओगा वो पूरा पूरा वहीं लगा होगा जिस चीज के लिए इकट्ठा करेंगे हम। भाई साहब बात यू है, चंदे का इकट्ठा होएगा नहीं, उसका हर एक का रिकॉर्ड है हमारे पास, और हम अभी ट्रस्ट के अंदर पैसा डालते हैं नहीं, तो पर ट्रस्ट के अंदर से जब ही निकालते, जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड होया, जो कर बिल बनवा के ले आएंगे, जितना चंदा आ गया और जितना का सामान आ गया उतना ही बिल ट्रस्ट के अंदर लगाएंगे, उतना ही निकलेगा, उससे अलग नहीं निकलेगा, 10 रुपये का भी नहीं निकलेगा। मैंने 14वीं शादी करवा रहा हूँ। अगर आप तक तो जुड़ना चाहो, किस तरीके से आप तो जुड़ सकते हैं, पेज के माध्यम से, कॉन्टेक्ट करने माध्यम से, या फिर आपका ट्रस्ट का जो है नाम उसके नाम से, किस प्रकार से आप से हमारे वैसे तो नंबर भी से मिला सकते हैं सीधा डायरेक्ट, हम उसको ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास मेरे पास ग्रुप चल रहा है, उसके अंदर उसका नाम और पता और गाँव का नाम, पापा का नाम, सब चीज बता देंगे और उसके अंदर डाल देंगे। हमारा नंबर है 9720947780, और यदि हमारे को ग्रुप के अंदर यूट्यूब पे चैनल देखना चाहते हो तो नया सवेरा चिल्ड्रन ट्रस्ट के नाम से हमारी है फिलहाल। तो भाई इस ट्रस्ट की खास बात मैंने एक दो लगी है, एक तो महिलाओं को साथ में जो भागीदारी ले रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, दूसरी बात दान जो है गुप्त के नाम तय, जो है गुप्त दान के नाम तय, गुप्त कन्या दान कर रहे हैं, तीसरी बात जो है वो ये है कि परिवार को, जिस परिवार की मदद कर रहे हैं उस परिवार को आगे नहीं लेके आ रहे, क्यों नहीं लेके आ रहे, ये अच्छी बात है इनकी। मैंने इनसे बात करी जब, तो इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि भाई साहब जिसकी शादी कर रहे हैं उसको शादी करके अपने ससुराल में भी जाना होता है, उसका उसको जा करके वहां ये ना लगे कि मेरी मदद से शादी हुई है। तो मतलब इनकी एक अच्छी सोच है, कहीं ना कहीं ये दिखावे की बजाय अपना काम करने का जो है इनके अंदर एक वो है कि ललक है कि हमने सिर्फ काम करना है, दिखावा नहीं करना, ये चीज अच्छी लगी भाई। ये जो आप अगर ट्रस्ट की बात करा, नया सवेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो आप फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट आप नीचे देखने लग रहे, इससे भी संपर्क कर सको। जो भाई मदद कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय वो जरूर बताइए, वीडियो ने शेयर करियो, और इस प्रकार की जो भी अपडेट आगे की मिलेगी आप तीन जरूर देने का काम करांगे, ताकि आप भी ऐसे ऐसे लोगों से मिल करके जुड़ करके आप समाज सेवा कर सको।